सबसे पहले तो ये सब सवाल है हां कि इस वाइन के ग्लास को पकड़ना कैसे है क्योंकि इसके अंदर भी पूरा एक वो है कि अरे यार आपने इसको ऐसे पकड़ा हाथ के अंदर आपने इसको नीचे से पकड़ा बहुत सिंपल हो जाएगा ग्लासवेयर का अगर स्टेम है तो आप स्टेम से पकड़िए अगर स्टेम नहीं है तो आप जैसे पकड़ना है पकड़िए स्टेम से स्टेम का पॉइंट है कि अगर आप ऐसे पकड़ोगे यू वार्मिंग द ग्लास बॉडी हीट यू डोंट वांट टू डू दैट वेरी सिंपल लॉजिक स्टेम है तो आप स्टैम से पकड़ो स्टैम नहीं है तो आप जहाँ से पकड़ना है मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक बंदा कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन वाइन ऑर्डर करता है जैसे यूरोप में बाहर वाले बैठने वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं ना पार्टियों पे जो बैठते हैं और वो खुद पोर करने की कोशिश करते हैं तो वेटर ऑफेंड हो जाता है और वेटर ने क्या कर रखा होता है उसने ना एक क्या बोल सकते हैं उसको क्लॉथ बांध रखा होता है वाइन के आसपास सर्विंग के लिए सर्विएट बोलते हैं सर्विएट हाँ और उसको मना करता है कि ऐसे इसको मत छू और वो खुद से क्लॉथ से सर्व करता है तो मैं कमेंट्स में लोग लड़ाई कर रहे थे टिपिकली तो मैंने सोचा क्या है तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप इसको खुद अपने हाथों से छो गए वाइन को गर्म कर रहे हो राइट और इनको तो बाई yeah. ग्लास सर्व करनी है तो नहीं कि आप पूरी बॉटल ले रहे हो तो सही बात है, है, है सही बात है सही बात है बात भाई यूरोप में वाइन सर्विस नॉट ओनली इन यूरोप ऑफ रेस्टोरेंट्स दैट आर बहुत फाइन डाइनिंग टाइप वाइन सर्विस बहुत क्रूशल रोल होता है उसमें क्योंकि एक तो इट्स अ बिग रेवेन्यू फॉर देम और अगर कोई स्प्लर्ज कर रहा है काफ़ी पैसे खर्च करा है वाइन पे वो एक्सपीरियंस शुड बी इमेक्यूलेट इनफैक्ट इटली में मैं बहुत बार आई बीन लकी टू टू दीज वाइन रीजन्स और उनमें से ना वाइन ऑर्डर करोगे वो वाइन सीधा ग्लास में नहीं डालेंगे पहले डिकैंटर में डालेंगे hmm. अलग वेसल में डालेंगे वो वाइन खोलेंगे बहुत ध्यान से आपको कॉर्ड दिखाएंगे स्मेल कराएंगे कि आप देख लो कुछ इसमें ख़राब तो नहीं है फिर एक कैंडल जलाएँगे और वो कैंडल रखेंगे जब बॉटल पोर कर रहे हैं देखने के लिए कि सेडमेंट तो नहीं है वाइन में जो डिकैंटर में जा रहा है फिर डिकैंट करेंगे फिर उसे थोड़ी देर रहने देंगे आपको सिप कराएंगे फिर आपके अप्रूवल पे फिर पोर करेंगे प्रॉपर्ली इस प्रोसेस के बारे में जानना था आ, इससे पहले यार एक बार उस की को लगा दोगे क्योंकि वो चल रहा है ना रिकॉर्डिंग चेक वो दिनेश डी आई ए डी आई एन ई एस एच या ठीक है Uh, ये जो चीज़ होती है मैं तो इतनी जगह पर जा चुका हूँ दुनिया भर की इतनी नायाब शराब पी चुका हूँ लेकिन उसके बाद भी मैंने या तो आई है डन माई आई वैसे विकी हाउ वट टू डू वन द वेडर इज सेंग कि ये मैंने इतनी सी वाइन डाली है आप देखो सो आई एम लाइक अच्छा मैं क्या करूँ सो आई एम लाइक अच्छा ठीक है बढ़िया और पोर करो वो उसका पर्पज़ क्या है कि जब आपके ग्लास में इतनी सी वाइन डालते हैं तो क्या चाहते हैं आप उसको सूँगो आप उसके अंदर उसको पीओ बताओ कैसी लग रही है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका तो आपको एक स्मॉलर रील भी बनाना चाहिए 100 जब वो पोर करते हैं आपको टेस्टर वो पोर नहीं कर रहे हैं आपको टेस्ट कराने के लिए कि ठीक है टेस्ट बढ़िया है नहीं टेस्ट के लिए नहीं टू सी की वाइन ख़राब तो नहीं है क्योंकि वाइन ऑक्सीडाइज हो जाती है कई बार स्पेशली इन इन वार्मर टेम्परेचर्स वाइन ठीक से नहीं रखी थी डिस्ट्रीब्यूटर ने सन में रख दी वाइन मतलब शॉप डिस्प्ले में धूप आ रही है राइट लाइक आई सेड कॉर्क में कुछ वोट एट एंड राइट मे बी इसमें कुछ कंटेमिनेशन था वो आपको स्मेल करा करा रहे हैं टू सी की वाइन ठीक है ना टेस्ट hmm. अप्रूवल के लिए नहीं इट्स इट्स नॉट नॉट की आपको स्वाद नहीं लग रही तो मैं दूसरी लेता हूँ दैट्स नॉट द रीजन इज टू सी की वाइन टेक्निकली तो ठीक है ना दैट इज और is. वो खुद देख रहे हैं या आपसे अप्रूवल मांग रहे हैं कि आप बताओ उन्हें मालूम है अच्छा तो आपको क्या करना है क्या और, है? और मेरे साथ ये कई बार हुआ है कि थोड़ी महंगी वाइन है जो मैंने वापस भेज दी है और मैंने बोला कि ये यू इट कॉकट इट्स इट्स अ काक्ट वाइन एंड वो वेटर पहले हैरान हो हरा, जाएगा कि ये वापस कैसे भेज दी फिर जब मैनेजर है कोई चेक करेगा देन दे रियलाइज कि ठीक है बट वन यू डू दैट यू आस्क फॉर द सेम वाइन अगेन जो आपने ऑर्डर की थी यू नाउ डोंट से कि मुझे ये नहीं दूसरा ब्रांड दे दो यू वाइन अच्छी नहीं लगी तो आप चेंज आपने तो आप आप हाँ, आप और, आप आप और, और अगर आपको कुछ लग रहा है उसमें ऑफ डिफेक्ट जैसे कुछ स्मेल ही नहीं है या कार्डबोर्ड की स्मेल है कार्डबोर्ड की स्मेल है मतलब वाइन गई कई बार कलर देख के ही हो जाता है ये तो अभी बहुत अच्छा वाइब्रेंट कलर है पर व्हाइट वाइन में स्पेशल हो आते हैं उस पर बट लेट्स ए वाइट वाइन वेटर ने पोर की अगर वो बहुत येलो है दैट मीन्स इट्स ऑलरेडी गॉन वो कलर पे ही आपको पता चल जाएगा अब ये सब चीज़ें टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड बट दे आर पोरिंग फॉर यू टू चेक की वाइन टेक्निकली ठीक है ना कई बार सेकंड चीपेस्ट वाइन पीने पड़ेगी जानने के लिए नहीं, होता है ये मैं, <laughs> मैंने मैंने कितनी बार वाइन देख के ही बोला है कि ये तो ठीक नहीं होगा हाँ। अच्छा अभी हम क्या करेंगे एक दो चीज़ करेंगे फर्स्टली पोर किया कलर देखेंगे कलर hmm. एकदम सही है वाइन एकदम क्लियर है राइट right? hmm. कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइन में इन टर्म्स ऑफ अपेयरेंस ये काफी यंग वाइन है अगर ये थोड़ी ओल्डर वाइन होती इनफैक्ट uh, पिछले हफ्ते मैंने हांगकॉन्ग में आई बॉट अ बॉटल ऑफ वाइन विच इज माई बर्थ ईयर ईयरटीन एटी फाइव थर्टी नाइन ईयर ओल्ड बोर्डो मैं आपका एक्चुअली फोटो भेजूंगा उसकी जस्ट टू सी द कलर ऑफ दैट मे बी यू कैन पुट दिस राइट दैट कलर इज फेडेड इट्स बिकम मोर ब्रिक सॉर्ड ऑफ कलर दिस इज वेरी वेरी वाइब्रेंट इट्स अंग वाइन रेड वाइन्स में अगर आप रिम थोड़ा ब्राउनिश होगा मतलब उस वाइन पर थोड़ा एज है इस पर नहीं है ये यंग वाइन है फिर हम स्वर्ल करेंगे स्वर्ल क्यों कर रहे हैं ऑक्सीजन डाल रहे हैं वाइन में ऑक्सीजन इट यू वो ओपन अप द वाइन मतलब फ्लेवर ज्यादा आएंगे बॉटल को खोलते पीना नहीं शुरू कर देना है नहीं एकदम नहीं और और बॉटल से तो कभी नहीं पीना अनलेस इट्स अ सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन और समथिंग दैट्स डिफरेंट हां बट अगर आप वाइन ग्लास में डालोगे और स्वर्ल नहीं करोगे और स्मेल करोगे वर्सेस आप स्वर्ल करके स्मेल करोगे बहुत फ़र्क आएगा हम्म और देखो वाइन में बहुत चीट बहुत चीट कोड्स हैं रेड वाइन है ना आप बोल दो फ्रूट्स हैं इसमें टेस्टिंग नोट्स में फ्रूट्स है कोई कोई बोल नहीं सकता कि फ्रूट्स नहीं है जब मेन्यूज uh, पे लिखा होता है फ्लोरल सिट्रसी नोड्स तो वो बेचारा जो इंसान उसको पी रहा है वो ना तो राजीव मसंद है ना वो कुणाल विजयकर है कि वो एक रिव्यूअर हो जो परख पाए कि इसकी लैंग्वेज से इसका टेस्ट मैच कर रहा है पता ही है। है क्या है अगर आप आँख बंद करो और स्मेल करो और ये टाइम लगता है आने में यू ना यूल स्टार्ट गेटिंग इट बिकॉज काफी स्मेल्स है जो फेमिलियर तो हाँ. अगर आप बहुत समय तक स्पेशलिटी कॉफी पियो कॉफी में नोटिस करना बहुत करेक्ट सेम चीज अगर आप कॉफी नोटिस कर सकते हो तो आप ये नोटिस कर हुँ. सकते हो